नमस्कार, आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूँ आपके साथ अंजलि सिंह। मेरे साथ हैं ज्योतिष आचार्य पंडित अमित पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद आपका। ग्रहों की पीड़ा कैसे होगी कम, नवग्रह शांति के लिए कैसे करें माँ दुर्गा का पूजन, नवरात्रि में माँ अंबे की कैसे करें आराधना, माँ के नौ रूपों की उपासना कैसे होगी फलदायी, देखिए सिर्फ भाग्य चक्र में। चैत्रीय नवरात्र शुरू हो गए हैं। कलश स्थापना के साथ ही देवी दुर्गा की पूजा शुरू हो गई है। नवरात्र में दुर्गा के नौ रूपों की पूजा की जा रही है। नवरात्रि का महत्व केवल मां की दुर्गा पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि नवरात्रि को ज्योतिषीय दृष्टि से भी खास माना जाता है। सनातन ज्योतिष के अनुसार नवरात्रि में नव दुर्गा की पूजा करने से नवग्रह शांति की जा सकती है। इसलिए आज हम अपने प्रोग्राम में जानेंगे कि किस तरह नवरात्रि पूजा में नवग्रहों की शांति की जाती है। सबसे पहले हम पंडित जी से जानेंगे कि आखिर माँ शैलपुत्री और माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा से किस ग्रह से संबंधित दोष खत्म होते हैं। पंडित जी, प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और बताइए हमारे दर्शकों को। जी, नवरात्र में शक्ति का रूप मानी जाती है माता दुर्गा। नौ रूपों में इनकी साधना की जाती है, प्रथम शैलपुत्री से लेकर के नवम सिद्धिदात्री तक। इनके पहले दिन नवरात्र पर माँ शैलपुत्री, तो दूसरे ब्रह्मचारिणी, तीसरे माता चंद्रघंटा, तो चौथे नवरात्र के दिन माता कुष्मांडा की पूजा की जाती है। पांचवें दिन नवरात्र के माता स्कंद माता की पूजा की जाती है। छठे नवरात्रि पर माँ कात्यायनी की पूजा करनी चाहिए। सातवें और आठवें और नौवें दिन महाकालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री की आराधना की जाती है। इनको नौ दिन में नौ अलग अलग रूपों की पूजा करने का कारण ये समझा जाता है कि पूजन तो वही होता है, लेकिन यह एक लगातार साधना के विकास क्रम का एक आपको सचित्र चित्रण किया गया है माता के स्वरूप में। जब शैलपुत्री से लेकर के और आखिरी जो साधक की मंजिल होती है सिद्धि प्राप्त करना, जो नवें दिन सिद्धिदात्री स्वयं प्रकट होती है अपने साधक, अपने भक्त को सिद्धि प्रदान करने के लिए, उनकी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए। हाँ, इस क्रम में कुछ बदलाव हो जाता है। बदलाव तब होता है जब आप किसी विशेष इच्छा कामना से कोई आराधना पूजा करते हैं। प्रत्येक ग्रहों की अलग अलग देवी होती हैं। प्रत्येक नवग्रहों में किसी न किसी एक विशिष्ट देवी की साधना आराधना की हुई है, जो उनकी देवी कही जाती है। नव दुर्गा शक्ति के नव रूपों के ही एक नाम है और इनकी साधना से ही ग्रह पीड़ा, ग्रह दोष, तमाम तरह के तापों से मुक्ति मिलती है। सर्वप्रथम नवरात्र के प्रतिपदा को कलश स्थापना के पश्चात माँ दुर्गा की पूजन को प्रारंभ करना चाहिए। कलश स्थापना आपके संकल्प का प्रतीक समझा जाता है कि जो आपने नौ दिन पूजा करने का संकल्प लिया है उसके साक्ष्य के रूप में, उसके गवाह के रूप में कलश वहाँ पर स्थापित किया जाता है। शास्त्रों की माने तो नवरात्र के समय दुर्गा पूजा और आराधना करने से नवग्रह पीड़ा से मुक्ति मिलती है, ग्रह आपके अनुकूल हो जाते हैं और जो तीन तरह के ताप हैं, दैहिक, दैवी और भौतिक, इन तीनों तापों से रक्षा होती है। माता शैलपुत्री की अगर हम बात करें, जो पहली देवी है, नवरात्र के प्रथम दिन की देवी है, हिमालय राज की कन्या है। माँ शैलपुत्री का संबंध नवग्रहों में चंद्रमा से है। चंद्रमा शीतलता का ग्रह माना जाता है। माँ शैलपुत्री देवी दुर्गा के नौ रूपों में प्रथम स्वरूप हैं। माँ शैलपुत्री चंद्रमा को दर्शाती हैं और इनकी पूजा से चंद्रमा से संबंधित दोष समाप्त हो जाता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा की महासा चल रही है और चंद्रमा आपके छठे, आठवें, बारहवें बैठा है, तो ऐसे में नवरात्र के पहले दिन या नौ दिन लगातार माँ शैलपुत्री के चित्र के सामने एक देसी घी का दीपक जलाएं और माँ शैलपुत्री को नित्य नैवेद्य भोग समर्पित करें और नवान मंत्र का जप लगातार करते रहें। ऐसा करने से आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा का दोष समाप्त होगा और चंद्रमा संबंधित सभी शुभ फल आपको मिलने आरंभ हो जाएंगे। अब बात करते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की। माँ ब्रह्मचारिणी मंगल दोष से उत्पन्न होने वाले कुप्रभावों को हरती हैं। देवी ब्रह्मचारिणी मंगल ग्रह को नियंत्रित करती हैं। देवी की पूजा से
मंगल ग्रह से उत्पन्न होने वाले सभी बुरे प्रभाव नष्ट हो जाते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी ब्रह्मचर्य की देवी हैं, ज्ञान की देवी हैं, विद्या की देवी हैं, अनुशासन की देवी हैं और देवताओं का सेनापति मंगल कहा जाता है। मंगल की खराब होने से कुंडली में ऋण रोग दारिद्रता से ग्रस्त हो जाता है जातक। ऐसे में अगर आप जीवन में अनुशासन बना के रखते हैं, सब काम नियत समय पर करते हैं और नवरात्र के 9 दिनों तक लगातार माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना पूजा करते हैं तो मंगल से उत्पन्न होने वाले सभी दोष जहाँ समाप्त होंगे वहीं माँ ब्रह्मचारिणी के कृपा से जीवन में सुख वैभव और संपन्नता की भी प्राप्ति होगी। चलिए पंडित जी से जानते हैं कि माँ चंद्रघंटा, कुष्मांडा और स्कंद माता की पूजा किस ग्रह के बुरे प्रभाव से बचाती है, ऐसे में माँ की पूजा कैसे की जानी चाहिए। पंडित जी साथ ही ये भी बताइए कि इस दौरान अगर पूजा भक्त कर रहे हैं माता की तो किन बातों का ध्यान उनको रखना चाहिए। जी, नवरात्र के तीसरे दिन दुर्गा जी के तीसरे स्वरूप चंद्रघंटा की पूजा की जाती है, तृतीयम चंद्रघंटे थी। हम एक बात बताएं आपको, चंद्रघंटा का संबंध सिर्फ मंगल से नहीं अपितु शुक्र से भी समझा जाता है। चंद्रघंटा माता शुक्र को भी नियंत्रित करती हैं। शुक्र की पीड़ा से मुक्ति प्राप्त करने के लिए जातकों को चंद्रघंटा के स्वरूप की आराधना करनी चाहिए। देवी चंद्रघंटा का यह स्वरूप जहाँ भक्तों के भय को दूर करती हैं वहीं जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह को भी आपके अनुकूल बनाती हैं। देवी चंद्रघंटा शुक्र ग्रह को जहाँ बल प्रदान करती है वहीं शुक्र पीड़ा से भी मुक्ति देती हैं। चंद्रघंटा की पूजा से शुक्र ग्रह के बुरे प्रभाव समाप्त हो जाते हैं और चंद्रघंटा से जो उनके घंटे से जो ध्वनि उत्पन्न होती है ऐसा माना जाता है वह बुरे लोगों को, बुरे विचारों को नष्ट कर देती हैं। ऐसे में शुक्र से उत्पन्न होने वाले देश, शुक्र हमारे कुंडली में काम को दर्शाता है, कहीं ना कहीं हमारे बुरे लालच या बुरे स्वभाव को भी देता है। अगर कुंडली में शुक्र खराब है तो ऐसे में कुछ बुरी आदतें जातक के अंदर आ जाती हैं जो उसके मान सम्मान को भी ठेस पहुँचाती हैं। ऐसे में चंद्रघंटा की उपासना करने से जहाँ आपकी बुरी आदतें दूर होंगी वहीं आपको अपने मन पर नियंत्रण करने में भी आसानी होगी। घंटे का स्वर जो है व्यक्ति के अंदर ऐसी कंपन, ऐसी सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है कि साधक का मन एकाग्र हो जाता है और वह तमाम बुरे कामों से संकल्प लेता है कि दोबारा नहीं करेगा। तो माता चंद्रघंटा की आराधना करें। अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र की दशा चल रही है, शुक्र की अंतरदशा चल रही है तो आपके लिए चंद्रघंटा की आराधना पूरे नवरात्र के 9 दिन बेहद सार्थक होगी, आपको सुख परिणाम देने वाली होगी, जीवन में किसी भी तरह की अन्न धन की कमी नहीं रहेगी। नवरात्र के चौथे दिन की देवी हैं माता कुष्मांडा, कुष्मांडेत चतुर्थकम। हमारे शास्त्र कहते हैं कि यह कुष्मांडा का जो स्वरूप है यह सूर्य ग्रह से संबंधित है। सूर्य इस संसार में उष्मा का कारक है, ऊर्जा का कारक है और या कुष्मा सा उष्मा, मतलब जिसके गर्भ में संसार की समस्त उष्मा समाई हुई है वही माता कुष्मांडा है। ज्योतिष के अनुसार यदि कोई जातक सूर्य ग्रह से पीड़ित है, सूर्य की महादशा चल रही है, ऐसे में आपके काम नहीं बन रहे हैं, सूर्य के दोष से आप परेशान हैं, सूर्य कि तमाम आपने पूजा कर ली, आराधना कर ली, दान कर ली, जप कर लिया लेकिन कोई फायदा नहीं मिल रहा है तो नवरात्र का यह जो काल है आपके लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है। ऐसे में आप माता कुष्मांडा की पूजा करें। माता कुष्मांडा की यदि आप पूजा करते हैं नवरात्र के 9 दिन तो सूर्य के पीड़ा से मुक्ति मिलेगी, सूर्य की प्रबलता मिलेगी, सरकारी काम में सफलता मिलेगी, पिता का सुख मिलेगा। हाँ, एक विशेष कार्य जरूर आपको करना चाहिए, माँ कुष्मांडा के निमित्त कुष्मांड का बलि भी समर्पित करनी चाहिए। इससे सूर्य ग्रह आपकी जन्म कुंडली मजबूत होगा और सूर्य ग्रह को मार्ग दिखाती हैं माता कुष्मांडा। सूर्य के अंदर जो ऊर्जा उत्पन्न होती है इन्हीं माता कुष्मांडा से होती है। ऐसे में यदि कुष्मांडा देवी कृपा हुई तो सूर्य की सुफल आपको जरूर मिलेंगे। कुष्मांडा माता की उपासना सूर्य के कुप्रभावों से बचाती है। अब बात करते हैं नवरात्र के 5वें दिन की देवी माता स्कंद माता की। स्कंद माता स्कंद की माता कही जाती हैं और 5वें दिन स्कंद माता के पूजा का विधान है। लेकिन जब हम ग्रहों की बात करते हैं तो माता स्कंद माता का संबंध नवग्रहों में बुध ग्रह से कहा जाता है। बुध ग्रह को नियंत्रित करती है माता स्कंद माता। यहाँ पर नियंत्रण से मतलब होता है कि पूर्व काल में इन ग्रहों ने या इन लोगों ने इन देवियों की उपासना की है या किसी ऋषि मुनि ने इन देवी की उपासना करके इन ग्रहों को नियंत्रित किया है, उसके बुरे प्रभावों से समाज और संसार की रक्षा की है। इसलिए स्कंद माता की उपासना ऐसे लोगों को जरूर करनी चाहिए जिनकी जन्म कुंडली में बुध की दशा चल रही है, बुध मीन राशि का है या त्वचा से संबंधित कोई बीमारी है, व्यापार ठीक से नहीं चल रहा है तो नवरात्र के 5वें दिन का व्रत करना चाहिए
और माता स्कंद माता की दिव्य विधि विधान से पूजन आराधना करना चाहिए। ये जो 6-6 महीने पे जो बड़े दो नवरात्र पड़ते हैं, चैत्र के और शारदीय नवरात्र, इन दोनों नवरात्र में यदि ठीक ढंग से स्कंद माता की आराधना की जाए तो इससे 2 लाभ होते हैं। पहला तो व्यापार ठीक चलता है, दूसरा जो सबसे बड़ा लाभ होता है ऐसे लोगों को, ऐसे निसंतान दंपतियों को जिन्हें अभी संतान की प्राप्ति नहीं हुई। तमाम आप ऐसे काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, मेडिकल की भी सपोर्ट ले रहे हैं, लेकिन संतान प्राप्ति में बार बार जो है आपको समस्या देखनी पड़ती है, विलम्ब हो रहा है। ऐसे में नवरात्र के 5वें दिन माता स्कंद माता की आराधना करें, उन्हें दिव्य तरह से अपने हाथ से बना करके खीर नैवेद्य पकवान समर्पित करें, उनके प्रति अपनी समर्पण श्रद्धा आप प्रदर्शित करें तो निश्चित रूप से माता स्कंद माता की कृपा से आपके घर में संतान की प्राप्ति होगी, वंश वृद्धि होगी, क्योंकि स्कंद माता की कृपा सभी संसार के बच्चों के ऊपर रहती है। छोटे बच्चे जो 0 से लेकर के 6 वर्ष आयु तक के बच्चे होते हैं वो माता स्कंद माता के ही संरक्षण में रहते हैं, वही उनका भरण पोषण लालन पालन करती हैं, उन्हीं की कृपा से उन्हें तमाम जो नकारात्मक बुरी शक्तियाँ हैं रक्षा होती है। माता स्कंद माता की पूजा करें, आपके घर में संतान सुख जरूर होगा। माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि और माँ महागौरी की पूजा से किन ग्रहों के बुरे प्रभावों से मुक्ति मिलती है, पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताइए हमारे दर्शकों को। जी, अब हम नवग्रहों में बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति अगर कुंडली में अच्छा है तो सब कुछ अच्छा माना जाता है। ऐसा समझा जाता है कि जीवन को चलाने के लिए 2 चीज़ों की मूल आवश्यक है। एक तो जीवन में जीवन, मतलब जीवित बने रहना। अगर संसार में कुछ भी सुख सुविधा भोगना है तो शरीर का इस संसार में उपस्थित रहना अनिवार्य है। जीव शरीर में ताकत का होना अनिवार्य है। जीवन बहते रहना चाहिए। जीवन का अंत अगर हो गया तो फिर संसार में आप कोई भी ना धर्म का कार्य कर पाएंगे ना भोग का कार्य कर पाएंगे। तो ऐसे में देवगुरु बृहस्पति का रोल बहुत बढ़ जाता है जन्म कुंडली में। कहा भी गया है कि केंद्र का बृहस्पति 125,000 दोषों को हरता है। केंद्र में अगर बृहस्पति विराजमान है तो जीवन में सब सुख वैभव संपन्नता आपको मिलेगी। लेकिन अगर यही देवगुरु बृहस्पति नीच के हो जाएं, 6वें 8वें 12वें बैठ जाएं तो जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। इतनी कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं कि जीवन में सुख शब्द पर से भरोसा ही उड़ जाता है। तो ऐसे में देवगुरु बृहस्पति को ठीक रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आज मैं बताता हूँ नवरात्र के 9 दिनों में किनकी आप आराधना करें, नव दुर्गा की किस स्वरूप की आराधना करें कि आपके ऊपर देवगुरु बृहस्पति कृपा आजीवन बनी रहे। तो ऐसे में नवरात्र के 6ठे दिन की देवी माता कात्यायनी की बात आती है। षष्ठम कात्यायनी तीच, इनके पूजन का विधान है। नवरात्र के 6ठे दिन की देवी दुर्गा के 6ठे स्वरूप की पूजा करने से देवगुरु बृहस्पति की कृपा प्राप्त होती है। देवगुरु बृहस्पति के कुप्रभावों से रक्षा होती है। माँ कात्यायनी बृहस्पति ग्रह को नियंत्रित करती हैं। नवरात्र के अगर आप सच्चे श्रद्धा मन से माँ कात्यायनी की उपासना करते हैं तो देवगुरु बृहस्पति से उत्पन्न होने वाले सभी दोष दूर हैं। प्रायः हम सुनते हैं कि हमारी कुंडली में पितृदोष तो नहीं है, यह पितृदोष क्यों निर्माण होता है? पितृदोष बनने का सिर्फ एक कारण होता है, देवगुरु बृहस्पति का 8वें या 12वें जाना। ये बहुत मतलब सार्वभौम नियम है कि अगर जन्म कुंडली में 12वें भाव में या 8वें भाव में बृहस्पति गया है तो कुंडली पितृदोष से पीड़ित है। और सोने पे सुहागा तब, नीम पे करेला तब, जब बृहस्पति के साथ राहु की भी युति हो जाए, मतलब गुरु चांडाल का योग हो। लेकिन ये गुरु चांडाल योग अगर 6ठे 8वें और 12वें बनता है तो इसका मतलब है कि जातक पूर्व जन्म से ही पितृदोष से पीड़ित है। अब पितृदोष अगर कुंडली में लगा हुआ है तो 2 चीज़ें तो कतई नहीं हो सकती। एक तो आप आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हो सकते, दूसरा आपके घर में कभी भी संतान वृद्धि नहीं हो सकती है, मांगलिक कार्य नहीं हो सकते हैं। तो ऐसे में देवगुरु बृहस्पति को ठीक रखने के लिए, सभी तरह के सुख साधनों की प्राप्ति के लिए, पितृदोष से मुक्ति होने के लिए नवरात्र के 6ठे दिन की देवी माता कात्यायनी की आराधना आपके लिए श्रेष्ठ होगी। माँ कात्यायनी की आराधना करें, सब प्रकार के रोग दोष से आपको मुक्ति मिलेगी, देवगुरु बृहस्पति की शुभता प्राप्त होगी। देवगुरु बृहस्पति की कृपा से जीवन में जहाँ सुख बना रहेगा वहीं पे आर्थिक स्थिति भी मजबूत रहेगी, संतान का भी सुख आपको अच्छा रहेगा। देवगुरु बृहस्पति के बाद बात आती है शनि। शनि सबसे मंद गति का ग्रह कहा जाता है।
एक राशि में सर्वाधिक समय तक अगर कोई बिताता है तो शनि बिताते हैं, मतलब लगभग लगभग 2.5 साल एक राशि में शनि रहते हैं। ऐसे में शनि जिसकी कुंडली में अच्छा है तो उनका लगभग लगभग आधे से ज़्यादा जीवन बहुत अच्छा रहता है, बहुत सुंदर रहता है, क्योंकि शनि एक राशि चक्र को पूर्ण करने में 30 वर्ष का समय लेते हैं। ऐसे में अगर आपकी राशि में शनि अच्छा है तो आप समझिए कि तो फिर तो लगभग लगभग 27-28 साल आपके अच्छे हो जाते हैं। लेकिन अगर यही बुरे हैं तो फिर तो कहीं ना कहीं शनि के वजह से तमाम दिक्कतें समस्याएं आपको दिखाई देंगी। तो आप शनि को ठीक रखने के लिए नवरात्रि के 7वें दिन की देवी माँ कालरात्रि की आराधना कीजिए। कालरात्रि का स्वरूप जैसा काल शब्द से ही दिखाई देता है, कालरात्रि का स्वरूप काला रंग होता है और एक विकराल स्वरूप दिखाई देता है, कंकाल के स्वरूप सदृश माता महाकाली का स्वरूप है। थोड़ा देखने में भयानक जरूर है लेकिन अपने पुत्र पे हमेशा माता कृपा करती है। तो ऐसे में शनि का संबंध माता कालरात्रि से है। अगर शनि से संबंधित दुष्प्रभावों से आपको मुक्ति चाहिए, शनि की दशा की पीड़ा से मुक्ति चाहिए, शनि का सुफल चाहिए तो माँ कालरात्रि की आराधना आपके लिए बेहद जरूरी है। नवरात्र के 9 दिनों माँ कालरात्रि की आराधना करिए, काली चालीसा का पाठ करिए, काली की स्तुति करिए, काली के निमित्त काली के मंत्रों का जप करिए, काली कवच का पाठ करिए और कंकाल रात्रि के 1000 नामों से माता दुर्गा का अर्चन करिए। ऐसा करने से नवरात्र के 9 दिनों के अंदर आपको शनि की पीड़ा से मुक्ति चल रही है। शनि मेष राशि का हो, कितनी ही बुरी स्थिति में आपके जन्म कुंडली में हो, शनि के समस्त दोषों का शमन करती है माँ कालरात्रि। ये उपाय करें, जरूर लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं नवरात्र के 8वें दिन की देवी माँ महागौरी की। माँ महागौरी का पूजन करने से राहु ग्रह से संबंधित पीड़ा दूर होती है। दुर्गा माता का 8वां स्वरूप है माँ महागौरी का। इस स्वरूप के लिए आप पूजा करते हैं तो राहु से संबंधित जो भी दोष है वह दूर हो जाएगा, क्योंकि माँ महागौरी राहु को नियंत्रित करती हैं। क्यों? क्योंकि राहु जो है ऐश्वर्य का देवता है। कुंडली में अगर राहु है तो आपको करोड़पति बना सकता है, धन की बरसात करेगा, लेकिन अगर यही राहु खराब है तो आपको अन्न के लिए तरसा देगा। ऐसा कहा जाता है कि राहु अगर 8वें 12वें या जो है 5वें भाव में या 6वें भाव में जब वह नीच का हो जाता है, नीच का मतलब वृश्चिक का या धनु का हो जाता है, तो ऐसे में व्यक्ति को अन्न भी नसीब नहीं होता है। तो ऐसे में राहु को भी ठीक रखना अनिवार्य हो जाता है। तो नवरात्र के जो है 8वें दिन की देवी महागौरी की आराधना करने से सब प्रकार के रोग दोष से मुक्ति मिलेगी, राहु पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। राहु को सफ़ेद चंदन चढ़ाया जाता है, सफ़ेद चंदन का दान किया जाता है राहु को ठीक करने के लिए। तो आप माता महागौरी को सफ़ेद चंदन अर्पित करें, सफ़ेद चंदन उनके मस्तक पर नित्य लगाएं, उनकी आराधना पूजा करें तो निश्चित रूप से राहु पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। नवरात्र के 9वें दिन की देवी हैं माँ सिद्धिदात्री। माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से आपको तमाम तरह के जहाँ दुखों से पीड़ा से मुक्ति मिलेगी, वहीं नवग्रह में केतु ग्रह से भी मुक्ति मिलेगी, क्योंकि माँ सिद्धिदात्री केतु ग्रह को नियंत्रित करती हैं। केतु ग्रह का और माता सिद्धिदात्री का क्या संबंध है? संबंध बताता हूँ, बहुत सीधा सा है। केतु हमारे कुंडली में मोक्ष का देवता कहा जाता है और सिद्धि का अर्थ ही होता है मोक्ष। तो सिद्धि और मोक्ष और केतु, ये तीनों अलग अलग नाम आपको जरूर दिखाई दे रहे हैं लेकिन सबका जो एक अर्थ है वो सम्यक रूप से एक ही है, मुक्ति और मोक्ष सिद्धि। तो माँ सिद्धिदात्री की आराधना करें, केतु की पीड़ा से आपको मुक्ति मिलेगी, भ्रम की स्थिति से आप दूर होंगे, दुविधा की स्थिति से आप दूर होंगे, केतु का सुफल मिलेगा और केतु हमेशा आपके लिए सुफल ही लेके आएगा। माँ दुर्गा के बाएं विराजमान देवी सरस्वती, दाएं ओर विराजमान देवी लक्ष्मी, नीचे दाएं ओर भगवान गणपति के साथ ही माँ दुर्गा का वाहन सिंह और उसका मुंह किस ग्रह का प्रतिनिधित्व करते हैं, पंडित जी से समझते हैं। पंडित जी बताइए। देवी के मुख्य 3 स्वरूप बताए गए हैं। माता दुर्गा के स्वरूपों में महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती हैं। और जब हम प्रतिमा या चित्रण की बात करते हैं तो मध्य में गुर्राते हुए सिंह पर विराजमान है माता दुर्गा, उनके बाएं ओर देवी सरस्वती और दाएं ओर माता महालक्ष्मी का स्थान अस्थायी रूप से है। दुर्गा माता के बाएं नीचे के भाग में कुमार और दाएं की ओर गणपति का स्थान है। उन्होंने अपने त्रिशूल से महिषासुर नामक राक्षस का वध करते हुए एक चित्रण दिखाया गया है, ऐसी ऋषि मुनियों ने अपने दिव्य दृष्टि से देखा है। यह माता का वास्तविक स्वरूप है। देवी दुर्गा का मुख्य प्रतिमा सुनहरे पीले रंग की होती है जो सूर्य का प्रतीक है। सूर्य का प्रतीक होने से मनुष्यों के अंदर जो भी आध्यात्मिक ऊर्जा है वह माता दुर्गा और सूर्य की वजह से ही है। देवी दुर्गा का वाहन श्वेत सिंह चंद्रमा का प्रतीक है। सिंह का खुला हुआ मुख
राहु और सिंह की पूंछ केतु का प्रतीक माना जाता है। भगवान गणेश सिद्धि और बुद्धि के प्रदाता हैं, जो बुध ग्रह का प्रतिनिधित्व करते हैं। देवसेना के सेनापति भगवान कुमार मंगल के प्रतीक माने जाते हैं। देवी महालक्ष्मी बृहस्पति का प्रतिनिधित्व करती हैं, शुक्र का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो शुक्र समृद्धि और प्रतिष्ठा प्रदान करती हैं। सरस्वती शुक्र और बृहस्पति दोनों का प्रतिनिधित्व करती हैं, जिसका संबंध गीत संगीत कला शिक्षा से है। राक्षस को काटते हुए जो सर्प है वह शनि का प्रतीक कहा जाता है, जो विष के समान है। देवी दुर्गा की साधना में मंत्रों का बड़ा महत्व है। दुर्गा साधना में मन के साथ साथ तन की भी शुद्धता अत्यंत आवश्यक होती है। दुर्गा मंत्र के माध्यम से नवग्रहों को अपने अनुकूल किया जा सकता है। दुर्गा माता का मंत्र ओम ह्रीं दुन दुर्गाय नमः, यह जो अष्टाक्षर मंत्र है, यह दुर्गा की साधना का प्रथम अध्याय है, प्रथम सोपान है। इस मंत्र के माध्यम से ही साधक अपने शरीर को माता के श्री चरणों में समर्पित करता है, मन को एकाग्र करता है, बुद्धि को एकाग्र करता है, चेतना और आत्मा से माता के प्रति समर्पित होता है। इसका आप जप करें, इसके जप से ग्रह बाधा दूर होती है, मानसिक सुख शांति प्राप्त होती है। दुर्गा यंत्र से बना हुआ आप कोई लॉकेट भी पहन सकते हैं, या नवरात्र की महानिशा की रात अष्टमी के दिन आप भोजपत्र पे दुर्गा यंत्र का निर्माण करें, दुर्गा के बीसा यंत्र का निर्माण करें और उसे चांदी के यंत्र ताबीज में बना के दाहिने बाजू में या गले में धारण करेंगे तो आपके ऊपर किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव नहीं होगा। हर कार्य में सफलता मिलेगी, यात्रा में मार्ग में हर जगह आपकी रक्षा माता स्वयं करेंगी। यदि आपकी जन्म कुंडली में बुध और बृहस्पति से संबंधित परेशानी आ रही है तो नदी में माता दुर्गा की स्वर्ण से बनी प्रतिमा प्रवाहित कर सकते हैं। यदि चंद्रमा और शुक्र की पीड़ा दे आ रही है तो माता दुर्गा की चांदी से बनी प्रतिमा की स्थापना पूजा करें, उसके बाद नवरात्र की समाप्ति के बाद दुर्गा जी की प्रतिमा को जल में प्रवाहित करें। तांबे से बनी प्रतिमा या दुर्गा यंत्र प्रवाहित करने से नवग्रहों की पीड़ा से मुक्ति मिलती है। मिट्टी से बनी प्रतिमा का पूजा आराधना करने से मंगल दोष से मुक्ति मिलती है। लोहे की बनी प्रतिमा हालांकि पूजा नहीं की जाती है, लेकिन लोहे से बने यंत्र को प्रवाहित करने से राहु केतु की पीड़ा से आपको मुक्ति मिलेगी। सूर्य और मंगल यदि आपकी जन्म कुंडली में पीड़ा दे रहे हैं तो दुर्गा माता को लाल रंग की चुनरी और सिंदूर उनके श्री चरणों में समर्पित करें। याद रखें, सिंदूर कभी भी पुरुष को माता के मस्तक पे माता के मांग में नहीं बल्कि श्री चरणों में समर्पित करना चाहिए। माता दुर्गा के दुर्गा यंत्र के जरिए आप तमाम ग्रह बाधा को भी दूर कर सकते हैं। नवरात्रि में कन्याओं का पूजन करना, कन्या का कुछ अन्न दान करना, ये सारे काम आपके लिए बहुत शुभ सिद्ध होंगे। उन्हें कुछ दान दक्षिणा देने से नवग्रह आपके अनुकूल होंगे। कुल मिलाकर के ये जो मैं सारे आपको प्रक्रिया उपाय बता रहा हूँ, ये शुभ कर्म हैं, पुण्य कर्म हैं। और इस जीवन में अगर आपको ऋणाबंधन से मुक्त होना है तो पुण्य कर्म के माध्यम से ही हो सकते हैं, शुभ कर्म के माध्यम से ही हो सकते हैं। ये नवरात्र के बेला में सब प्रकार के इस तरह के शुभ कर्म करें, माता चंद्रघंटा की आराधना करेंगे तो शुक्र ग्रह आपके अनुकूल होंगे। ये तमाम बातें मैंने आपको आज पूरे कार्यक्रम के माध्यम से बताई। मैं ये समझता हूँ कि आप इसमें से जो भी आपके उपयोग का उपाय होगा वो आप जरूर करेंगे, इसका लाभ लेंगे, क्योंकि नवरात्र के 9 दिन आपके लिए बहुत खास हैं। इन उपाय को करें, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। तो आज हमने प्रोग्राम में जाना कि कैसे नवदुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना करके कैसे अपने ग्रहों को शांत किया जा सकता है, ग्रह पीड़ा से मुक्ति पाई जा सकती है। पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद आपका। भाग्य चक्र में आज बस इतना ही, आगे के एपिसोड में हम कुछ और विषयों पर पंडित जी से विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन आज हमें इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार। नमस्कार।